नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव बंसल हांसी की आवाज़ से आज मैं खड़ा हूँ एसडी कॉलेज के एक विशाल सभागार के अंदर। मौजूद है रक्तदान शिविर, यानी कि 14 रेजिमेंट का आज स्थापना दिवस है, महार रेजिमेंट का स्थापना दिवस है। यहाँ के मुख्य अतिथि उम्मीद फाउंडेशन की तरफ से एक विशाल रक्तदान शिविर कैंप लगाया गया। कहते हैं कि रक्त का कोई मूल्य नहीं होता, न इसका कोई विकल्प होता है। एक रक्त की बूंद किसी को जीवन दान है। ऐसे में कर्नल आरएस बीरवाल जो दिल्ली से तशरीफ फरमा है, उनसे जानते हैं कि आप रक्तदान शिविर में आए और इस रक्त की, इस ब्लड की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है। आर्मी में लोग रहते हैं, वहाँ होते हैं, मर जाते हैं, तो ऐसे में रक्त इतना इम्पोर्टेंट हमारे जीवन में रोल अदा करता है। और ये रक्तदान शिविर का क्या इम्पोर्टेंस है आपसे जानना चाहेंगे कर्नल आदर्श बीरवाल। 15 जनवरी के आर्मी डे के मौके पर जो उम्मीद फाउंडेशन ने रक्तदान का जो कैंप लगाया है, इससे बहुत सारे लोगों की जाने बचती हैं। काफ़ी चीज़ें कि हमने देखा, जो बॉर्डर के ऊपर कई बार ब्लड की कमी की वजह से काफ़ी मौतें होती हैं, एक्सीडेंट की वजह से हमारे युवाओं का रोड के ऊपर काफ़ी मौत होती हैं। तो इससे रक्त जीवन जीवन दान है, जिसका कोई हमारे पास कोई विकल्प नहीं होता। और ये हमेशा एक सोसाइटी में इस तरह की चीज़ें बनी रहें, इसके हम उम्मीद फाउंडेशन को जो आज हमारे को यहाँ इन्वाइट किया है, हम इनके बड़े आभारी हैं। इसमें डॉक्टर साहब हैं, उमेश सोनी साहब, जो कि रिटायरमेंट के बाद भी अपना इतना योगदान दे करके ने रेलवे स्टेशन के ऊपर गर्मियों के अंदर पानी का अरेंजमेंट करते हैं, गरीब लड़कियों के विवाह के लिए कामें करते हैं। और ये इससे सबसे ऊपर जा कर के जो ये ब्लड का जो कैंप लगाते हैं, इसका तो कोई कीमत है ही नहीं। और हम हांसी वासियों से और हमारे डॉक्टर साहब हैं, उम्मीद फाउंडेशन के हैं, उनको बड़ा धन्यवाद करते हैं। और हम चाहते हैं कि ये बार बार लगे, लोगों के इसकी जानकारी बढ़े। कोई गरीब आदमी की या जिसको भी इसका एक है, जान बचती है, उसके लिए बहुत बड़ी चीज़। मेरे साथ खड़े हैं डॉक्टर एस एस मान। रक्त का कोई विकल्प नहीं है, थैलेसीमिया एक ऐसी डिजीज है, बार बार रक्त की रोड साइड एक्सीडेंट होते हैं, मर जाते हैं, रक्त की ऐसे खराब हो जाते हैं। आप अक्सर सभी रक्तदान शिविर की रौनक बनती हैं, नहीं जाते हर एक दान भी। रक्त हमारे जीवन की आवश्यक इंग्रेडिएंट है, तो आप क्या कहेंगे रक्तदान शिविर? सबसे पहले तो उम्मीद फाउंडेशन वाराणसी शहर की तरफ से आर्मी डे पर हमारे यहाँ आए कर्नल साहब, उनके सभी साथी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और आशा करता हूँ कि ये लोग इस टाइप के आयोजन्स में हमारे साथ खड़े रहेंगे, हमारे नए बच्चों को, नई पीढ़ी को भी एक सीख मिलेगी इस चीज़ से। स्पेसिफिक आर्मी डे के बारे में जनरल पब्लिक को नहीं मालूम होता, ये लोग आए। ये आर्मी डे तो आप ये मानिए कि जैसे 15 अगस्त होता है, वैसे ही आर्मी डे भी है। और वी हैव टू सल्यूट देयर पर्सनलिटीज, जो लोगों ने आकाश हमारा हौसला बढ़ाया। और हम ऐसे प्रोग्राम आगे से भी आयोजित करते रहेंगे और हमारे डिफेंस के दोस्तों से उम्मीद रखेंगे कि वह इससे मौके पर हमारे साथ दें। मेरे साथ खड़े कॉलेज के डॉक्टर सुरेश सूखा, आप ही के सभागार के खूबसूरत से रक्तदान शिविर चल रहा है उम्मीद फाउंडेशन की ओर से, जिनके चेयरमैन हैं सुरेंद्र सैनी जी और मिस्टर अमित माता, सब ये एनजीओ। कैसा फील हो रहा है आपको? मैं इनको बधाई देता हूँ, क्योंकि ये समाज सेवी जो इस टाइप का प्रोग्राम जो आयोजित करते हैं समाज के सहयोग से, और मैंने देखा डॉक्टर साहब ने भी काफ़ी बढ़ चढ़ के सबसे पूर्व यहाँ पर रक्तदान किया। भगवान इनको बनाए रखे, इनको ऐसे ही समाज सेवी है, जो कि पैसे से भी और अपना रक्त दे के भी इसके हौसला अफजाई के लिए एक जनरल मास में एक अच्छा सिग्नल जाता है नगरवासियों में, सी वासियों में। और हर बार मैं देखता हूँ बड़े जोश से, बड़े उससे लोग बढ़ चढ़ के यहाँ पर भाग लेते हैं। लड़कियों ने भी, मेरे महाविद्यालय की लड़कियाँ भी काफ़ी आगे आई हुई हैं। कुछ लड़कियाँ एनेमिक होके भी, उनमें एक हौसला आया, लेकिन मैंने उनको आश्वस्त किया कोई नहीं बेटा, नेक्स्ट ईयर भी आपने दिलवा दिया। नहीं, दिलवाया नहीं है। अच्छा, लेकिन वो देने के लिए तत्पर थी। अच्छा, लेकिन मैंने उनको हौसला अफजाई किया है, आप अपनी हेल्थ को ठीक करिए, नेक्स्ट ईयर आपको मौका मिलेगा। आप यहाँ पर आए हैं, सबका आपने हौसला बुलंद किया है। मैं आप सबको उम्मीद फाउंडेशन से बधाई देता हूँ। राजीव बंसल जी एक अच्छी कवरेज दे रहे हैं और आगे भी मेरे साथ मेरे सीनियर एडिटर अजय सैनी जी भी आए हैं। मैं आप सबका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ, आपने एक अच्छी कवरेज जो की लोगों में।
डॉक्टर साहब, माना कि समस्त धरा को गुलजार नहीं कर सकते हम, लेकिन जहाँ से गुजरे वहाँ से काटे तो कुछ कम कर सकते हैं हम। इसी उद्देश्य के साथ उम्मीद फाउंडेशन के चेयरमैन मेरे साथ खड़े हैं। सुरेंद्र जी, आपने ये कौन सी बार ये लगवाया है ये रक्त? पाँचवीं बार लगवाया है। सारा देश में पाँचवीं बार ब्लड डोनेशन के। और क्या क्या करवाते रहते हैं? हमारी गर्मी में पानी की प्याऊ चलती है शहर के अंदर, मोबाइल प्याऊ। हाँ जी। शिक्षा के ऊपर भी हमने क्विज कॉम्पिटिशन कराया था, छोटे छोटे सेंटर चलते हैं हमारे। इन्हीं उम्मीद के साथ कि ये एनजीओज अपने काम में इसी तरह लगी रहें। और रक्तदान शिविर एक ऐसा शिविर होता है जहां रक्त लिया जाता है युवाओं का, युवाओं में प्रेरणा जागृत होती है, एक अवेकनेस आती है कि रक्त देने से हमारे बॉडी में डेफिशिएंसी नहीं होती, रक्त रिक्यूब कर जाता है 24 आवर्स के अंदर। किसी का जीवन बचाने के लिए जीवन में रक्तदान जरूर देना चाहिए। मैं राजीव बंसल इसी उद्देश्य के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ उम्मीद फाउंडेशन और जितने आए हुए यहाँ सभी यहाँ आज के अतिथिगण हैं उनका स्वागत करता हूँ मेरे मीडिया पे। और सरदार जी, सरदार विजेंद्र सिंह जी, आपको तो कैब ट्रेवल नाइट हैं आप, कैसा लग रहा है आपको यहाँ? सर बहुत बढ़िया लग रहा है हमें यहाँ पहुँचकर, जो एक फाउंडेशन ने हमें यहाँ बुलाया और यहाँ पधारने का मौका दिया और हमें बहुत अच्छा लगा। जो एक आर्मी दिवस के ऊपर ये रक्तदान का आयोजन किया, तुसी कितनी बार देते हो रक्तदान? देता असि अज भी देना इधर। अच्छा, तैयार है असि, लेकिन सानू मौका नहीं दे रहे। मौका दे रहे बेरवाल साहब, तो तुम्हारे कर्नल साहब ने आया तो दे आए ने ये दे आए असि दो तीन बार कहा बोले रुको अभी। कैसा लगता है अक्सर आप कॉलेज में आते हैं, आयोजनों में आपकी यानी कि सहभागिता रहती है? शहर के अंदर जो गतिविधियाँ चल रही हैं इसको देख कर बड़ा दिल खुश होता है। कुछ जागृति हमारे शहर के अंदर आई है जिसकी वजह से एनजीओज अपने अपने स्तर पे काम कर रही हैं और जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इसके लिए मैं सभी एनजीओज को धन्यवाद दूंगा और साथ में आपको भी धन्यवाद दूंगा। अमित जी बताइए, आप तो पूरे जवान लगते हैं, मुझे लगा हम तो जवान तो हैं सर, 14 मार का नमक खाया है और आज हमारा रेजिंग डे है, जन्मदिन है और आर्मी डे है। और सबसे बड़ा धन्यवाद करता हूँ मैं हमारे सीओ साहब का, जो कि हमारे एक बुलावे पर इतने जवान और साहब लोग, और हमारा हंसी का बड़ा सौभाग्य है जो कि आर्मी डे पर और जवान भी अपना जन्मदिन जवानों के साथ मनाते हैं। बाकी डॉक्टर साहब ऐसे सम्मान और कर्नल बेरवाल साहब का तय दिल से धन्यवाद करते हैं कि हमारे हर कार्य में जब भी बुलाओ इनको करते हैं तो तुरंत आ जाते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि कोई रक्त के बिना अपना जीवन ना गंवा सके और इसी तरह के शिविर लगते रहें, उम्मीद फाउंडेशन को मैं बधाई देता हूँ आर्मी दिवस पर, सभी कर्नल साहब को, उनके साथ आए हुए सभी जवानों को और सभी एनजीओ के और डॉक्टर साहब को और प्रिंसिपल महोदय को और उम्मीद फाउंडेशन के सभी पदाधिकारी। तालियों की गड़गड़ाहट तो हम यही चाहिए, ये तो बनता। और मेरे ख्याल से हमारी बेटियां कभी इस बात में पीछे रहती नहीं है, इन लम्हों को यादगार बनाती हैं और इस लम्हे के साथ धन्यवाद। जिनके बल पर हम ये सारा कार्यक्रम चला रहे हैं, समय समय